फोन की जगह अब आप उतने ही पैसों में दो फोन ले सकते हैं और ये स्टोर भी गुल्ली और गुल्ली के घर से ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ही गुल्ली और गुल्ली को डिस्काउंट के बारे में पता चलता है वो दोनों ही फौरन स्टोर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जहां भी जाते हैं थोड़ी बहुत बदतमीजी जरूर करते हैं। और जब सेल्समैन उसे पूछता है कि ये क्या तरीका है स्टोर में आने का, तो गुल्ली कहता है कि हमारी स्पीड काफी ज्यादा थी इसलिए हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। लेकिन आपका जितना भी नुकसान हुआ है मेरा दोस्त गुल्ली इसकी भरपाई कर देगा। अब आप मुझे आईफोन दिखाइए। गुल्ली कहता है वो वाला दिखाइए। गुल्ली कहता है वो वाला। गुल्ली कहता है अरे वो वाला दिखाइए जो पीछे रखा हुआ है। सेल्समैन कहता है जल्दी नीचे उतरो और निकलो स्टोर से बाहर, हम तुम्हें कोई आईफोन नहीं देंगे वरना सिक्योरिटी गार्ड धक्का देकर तुम्हें बाहर निकालेगा। बेचारे गुल्ली और गुल्ली खाली हाथ वापस निकल आते हैं। स्टोर से बाहर आते ही एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उनके पास आता है और गुल्ली को घूरते हुए कहता है क्या तुम्हें आईफोन चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो भी बहुत कम कीमत पे। गुल्ली कहता है नया होगा या पुराना। वो आदमी कहता है कि मेरे पास नया और पुराना दोनों तरह के फोन है। गुल्ली कहता है कि हमें दो फोन चाहिए, कोई फोन हो तो दिखाओ और कितने का दोगे। तो कहता है कि सिर्फ 10,000 का बिल्कुल नया आईफोन है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फोन है, अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। गुल्ली कहता है कि हमें दो फोन चाहिए थे, हम कल तुमसे आकर ले लेंगे। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला जाता है और वो आदमी वहीं खड़े होकर गुल्ली को देखता रहता है। लेकिन सच बात तो ये है कि गुल्ली उस आदमी से फोन लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि गुल्ली उस आदमी को देखकर डर गया था। वो आदमी ही थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। घर पहुंचने के बाद गुल्ली और गुल्ली ने नेट पे सर्च करना शुरू किया कि कोई तो जरूर अपना आईफोन को कम पैसों में बेच रहा होगा, और तभी उन्हें एक सेलर का एड्रेस मिलता है जो कि सिर्फ 16,000 के दो आईफोन बेच रहा है। गुल्ली और गुल्ली फौरन आईफोन लेने चल देते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ दो ही आईफोन मौजूद है, और गुल्ली और गुल्ली ये मौका छोड़ना नहीं चाहते। और अभी रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह गुल्ली और गुल्ली को ये फोन चाहिए। लेकिन एक बार भी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये आदमी आईफोन को इतनी कम कीमत पे क्यों बेच रहा है। और जो एड्रेस दिया हुआ था वो काफी दूर का था और वो इलाका भी बिल्कुल सुनसान सा था, वहाँ ना तो किसी के घर बने हुए थे और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था, बिल्कुल वीरान, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। और फिर वो पुराना घर नजर आता है जो इन्होंने नेट पर देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने नेट पर देखा था। गुल्ली कहता है ये घर तो खंडर जैसा है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें रहता होगा। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही आसपास का नजारा देखते हैं। और फिर गुल्ली उस सेलर को फोन लगाता है जो उसने नेट पर देखा था, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। और गुल्ली दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उस घर से लड़कियों के रोने और सिसकने की आवाजें आ रही होती हैं। ये आवाजें सुनकर गुल्ली भी वहां पहुंच जाता है और ये दोनों ही बड़े ध्यान से वो आवाज सुनने लगते हैं। और फिर वो आवाज आना बंद हो जाती है और घर की लाइट जल जाती है और खिड़की पे वही इंसान खड़ा नजर आता है जो उन्हें स्टोर के बाहर खड़ा नजर आया था।
गुल्ली बुल्ली वहाँ से भाग कर गाड़ी में बैठ जाते हैं। और उस घर की लाइट फिर से बंद हो जाती है। लगता है वो आदमी घर से बाहर आना ही नहीं चाहता। उसके पास दो आईफोन थे और उसके कपड़ों पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। गुल्ली कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पे इतना खून क्यों लगा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। गुल्ली कहता है कि फोन लो और चलो यहाँ से। तभी वो आदमी कहता है कि मेरे साथ घर के अंदर चलो, मेरे पास और भी बहुत सारा सामान है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और वो मजा चखाना चाहता हूँ जो मैं सबको चखाता हूँ जो भी यहाँ आता है, और मेरे साथ तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। ये सुनकर बुल्ली फौरन गाड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ा देता है और वहाँ से निकल लेता है और वो आदमी उन्हें देखता रह जाता है। आखिर गुल्ली और बुल्ली को आईफोन मिल ही गए, वो भी बहुत ही कम कीमत पे। रात के 1 बज चुके हैं। बुल्ली घर पहुंचने के बाद सो जाता है जबकि गुल्ली जाकर आईफोन चला रहा होता है। लेकिन गुल्ली के फोन चलाते ही घर में अजीब अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। बाथरूम का दरवाजा खुलने और बंद होने लगता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ जाती है। गुल्ली को ये पता भी नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है। वो इसे इग्नोर कर देता है और बाथरूम जाकर देखता है। तो वहाँ लिखा होता है कि मेरा आईफोन वापस करो। गुल्ली पास जाकर देखता है और फिर बुल्ली के पास भाग कर जाता है, उसे उठाता है और दिखाता है कि बाथरूम में क्या लिखा हुआ है। और फिर बुल्ली और गुल्ली बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और पास जाकर देखते हैं। वहाँ उन्हें कुछ लिखा हुआ मिलता है और कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। मेरा आईफोन वापस करो, उसी जगह जाओ जहाँ से तुम उसे लाए थे। उस घर के पास मेरी लाश दफन है। मेरी डेड बॉडी के पास मेरा आईफोन रख दो। मैं 16 साल की थी, वो एक कोनी है, उस आदमी को जान से मार दो। ये सब पढ़ने के बाद गुल्ली और बुल्ली वहाँ से फोन लेकर निकलते हैं और उसी घर की तरफ चलते हैं जहाँ से वो फोन लेकर आए थे। लेकिन आखिर ये फोन है किसका और ये फोन हमें डालना कहाँ है, ये सोचते हुए गुल्ली और बुल्ली उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से वो इसे लाए थे। गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं, जो लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी उसने उन्हें भी मार दिया है, क्योंकि वो आईफोन कलेक्ट करने वाले कस्टमर तलाशता है और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें मार के उनका पैसा और उनका फोन जो वो यूज करते हैं उसे छीन लेता है। लेकिन अब जाना कहाँ है। गुल्ली कहता है कि हम उस जगह तो पहुंच चुके हैं। और तभी जमीन से बहुत सारे हाथ निकल कर गुल्ली और बुल्ली को घेर लेते हैं। फिर वो आत्मा नजर आती है जो गुल्ली को पहले दिखी थी। वो इनसे मिट्टी खोदने के लिए कहती है और दोनों मिट्टी खोदने के काम में लग जाते हैं। और मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक गड्ढे में बहुत सारे कंकाल और एक लड़की की लाश नजर आती है। और उसके बाद वो आत्मा उस लड़की के अंदर समा जाती है और तभी लड़की उठ बैठती है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली फूल फेंक कर वहाँ से भागते हैं और जब पलट कर देखते हैं तो लड़की को आता देख डर के मारे झुक जाते हैं। लेकिन लड़की तो अपनी मौत का बदला लेने घर के अंदर जा रही होती है और अब वो अपना बदला लेकर ही वापस लौटेगी।